हेलो जेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फोर सेकंड में एनसीईआरटी अनाउंसमेंट का सभी। आज हम बात करेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है ठीक है प्लेइंग विद नंबर्स। ठीक है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, जो इस वीडियो का एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन कह रहा है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12। ठीक है, अगर कोई नंबर है जो 12 से डिविजिबल है, ठीक है, वो 12 से डिवाइड हो सकता है, तो वो बाकी किस किस नंबर से भी डिवाइड हो सकता है। तो देखो, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कभी भी आ जाए, ठीक है, तो क्या करोगे, पहले इसके फैक्टर निकाल लो, जो भी नंबर दिया गया होगा उसका फैक्टर निकालो। सो ठीक है, 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे बेटा, देखो 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है, 6 से भी डिवाइड हो सकता है, और 12 खुद से डिविजिबल है। सो अगर कोई नंबर 12 से डिवाइड हो सकता है तो वो नंबर 1 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, वो नंबर 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, ध्यान रखना। ठीक है, जो उसके फैक्टर्स होते हैं बाकी उन सबसे डिवाइड किया जा सकता है, लाइक 24 है। अब देखो 24 1 के टेबल में आता है, नहीं आता, आता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है करके देखो, ठीक है, 3 से डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता, 4 से डिवाइड होगा 24, नहीं होगा, 6 से डिवाइड होगा एंड 12 से तो होगा ही होगा। तो लेकिन इसमें हमसे 12 के अलावा पूछा है ना, तो हमको 12 छोड़ देंगे, ठीक है, बाकी सबको लिख लेंगे। सो अदर नंबर्स आर, सो द नंबर्स आर, नंबर्स आर, ठीक है, क्या क्या होंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 6, ठीक है, इनसे भी वो नंबर डिवाइड डेफिनेटली होगा ही होगा। ठीक है, यहीं पर एक ये वीडियो खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करो बेटा, क्या जा रहा है, ठीक है, टेक केयर बेटा।